और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश की अब हम बात करेंगे। यूपी के जालौन में दूल्हे और बारातियों पर कार्रवाई की गई है। कोरोना गाइडलाइन तोड़ने पर दूल्हे का चालान काटा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का आरोप यहाँ पर लगाया गया है। दूल्हे की कार समेत 40 गाड़ियों के चालान कटे हैं। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जालौन से तस्वीर सामने आई है जब दूल्हे समेत 40 और गाड़ियों का चालान काटा गया। सिर पर लाल सेहरा दमक रहा था, पगड़ी पर लगी सफेद कलगी में जड़ी लाल मोती भी चमक रहा था, लेकिन दूल्हे राजा का चेहरा बुझा बुझा हुआ था। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि पाला पुलिस वालों से पड़ गया था। सोचा था कि दुल्हन के घर वाले स्वागत के लिए खड़े होंगे, लेकिन यहाँ तो पुलिस वाले चालान की कॉपी लेकर खड़े थे। दूल्हा तो दूल्हा, उसके घर वालों के भी होश उड़े हुए थे। और ऐसा क्यों हुआ वो भी समझ लीजिए। मध्य प्रदेश के भांडेर का रहने वाला दूल्हा विवेक बारात लेकर लखनऊ के लिए निकला था। विवेक के साथ गाड़ी में उसके रिश्तेदार भी बैठे थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था। दूल्हे और बारातियों से खचाखच भरी गाड़ी जब उत्तर प्रदेश के जालौन पहुंची, तो कोंच इलाके में पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद थी। अफसरों ने दूल्हे की गाड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती देखी तो फौरन दूल्हे का चालान काट दिया। कहां जा रही बारात? कहां से आए हो? प्रशासन ने न सिर्फ दूल्हे की इस गाड़ी का चालान काटा, बल्कि कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाली 40 गाड़ियों पर भी कार्रवाई की और जुर्माना वसूल लिया। प्रदेश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसमें लोगों से अपील की जा रही है कि आप अपने घरों में रहें, क्योंकि कोरोना के केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसी को कम करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन बहुत से वाहन चालकों द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए यहां से वहां उनके द्वारा सफर किया जा रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज यहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया है कोतवाल और मेरे नेतृत्व में, जिसमें लगभग 35 से 40 गाड़ियों के चालान अब तक किए गए हैं। दूल्हे विवेक का कहां तो खिले खिले मन से दुल्हनिया को विदा कर लाने का मन था, लेकिन चालान कटने से उसका मन बुझ गया। लेकिन उसे ये भी ध्यान रखना चाहिए था कि कोरोना काल में बारातियों की फौज लेकर जाना जानलेवा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए सीधा रुख करते हैं लखनऊ से। हमारे सहयोगी तुषार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तुषार, जो ये मामला सामने आया है, दूल्हे समेत 40 और भी जो गाड़ियां साथ में थी, चालान काटा गया है, ये एक संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो अभी इस भ्रम में है कि अगर हम गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, निश्चित तौर पे लगातार सरकार अपील कर रही है कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए, और ये भी एक तरह से छूट भी दी गई है कि आप शादी करिए लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा तरह से ख्याल रखिए और 50% लोगों के साथ शादी करिए। लेकिन जो लोग हैं वो अभी भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। लोगों को ये डर नहीं है कि कोरोना किस तरह से लोगों की जान ले रहा है, लोगों को काल के गाल में समाता जा रहा है। लेकिन ये लोग जो हैं, जो इस तरह के लोग हैं, यही लोग कोरोना संक्रमण को फैलाने में सबसे अधिक मददगार कोरोना के लिए हो रहे हैं। और इस तरह से जिस तरह से ये लोग बारात लेकर निकल रहे हैं 40 गाड़ियों के साथ और एक गाड़ी में खचाखच भीड़ भरी हुई है, अब वो बिल्कुल। तुषार, आपने सही कहा, लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर बता दे।